तो गाइस गेम हम सब खेलते हैं एंड हमेशा हम अपने एक ओपिनियन भी देते हैं कि गेम अच्छा या खराब है, गंदा या बकवास। बट आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक गेम को बनाते कैसे एंड आप अपने गेम को कैसे बना सकते हो, इजीली लॉन्च भी कर सकते हो। सो गाइस आज का वीडियो को मिस करोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। आई एम जावी, यू आर वॉचिंग जादू ऑन गेम। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, तो इसका एक टेक्निकल आंसर देते हैं। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे आप कैसा गेम बनाना चाहते हो, 2D या 3D, आप डेवलपमेंट के लिए कौन सा गेम इंजन यूज कर रहे हो एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपका डेवलपमेंट स्किल्स। गेम बनाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होती है गेम के आइडिया को अपने दिमाग में डेवलप करना। कैसा गेम बनाना चाहते हो, आपको रेसिंग गेम्स बनानी है, सिमुलेशन गेम्स बनानी है, या फिर फ्री फायर, BGMI, PUBG जैसे बैटल रॉयल गेम्स बनानी है, या फिर GTA 5 जैसे कॉम्प्लेक्स सा कोई भी स्टोरी मोड गेम बनानी है। बट द मेन क्वेश्चन इज, एक गेम के आइडिया को अच्छे से डिफाइन कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें GTA 5 या फिर GTA सीरीज को, सारे GTA के गेम्स को 18+ ऑडियंस लिए बनाया है, देन आपको सोचना पड़ेगा गेम के एलिमेंट्स, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स एंड एट दी एंड आपको ये सोचना पड़ेगा आपका मोनेटाइजेशन मॉड्यूल क्या है गेम के लिए। या तो आप गेम को डाउनलोड करने के लिए एक वन टाइम फी चार्ज कर सकते हो, या फिर गेम में इन गेम परचेज डाल सकते हो जैसे बाकी बैटल रॉयल गेम्स में होती है, या फिर आप 1.5 किलो एड्स डाल सकते हो अपने गेम में। हमने गेम को सोच लिया बट द थिंग इज दैट हम गेम को डेवलप कहा करेंगे, गेम को बनाएंगे कहा। तो गाइस उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी गेम इंजन की। बट अभी गेम इंजन क्या है? तो गाइस गेम इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि गेम डेवलपर्स को ऐसा एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें वो इजीली गेम को डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पे उनको प्रीलोडेड एलिमेंट्स एंड बहुत सारे कस्टमाइजेशन टूल्स मिल जाते हैं। बट इसमें भी आपको अपने मतलब का गेम इंजन कहाँ से मिलेगा? देखो एक परफेक्ट गेम इंजन को चूज करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको कैसा UI पसंद है एंड आप जिस टाइप का गेम बना रहे हो आपके कंपटीटर्स कौन सा गेम इंजन यूज करता है जिससे आप भी उनको कड़ी टक्कर दे सको। अभी बारी है गेम के ग्राफिक्स को डिजाइन करना, गेम 2D होगा या 3D। हमने ना जाने कितने सारे गेम्स को बोला ये गेम टट्टी है, इस गेम का ग्राफिक्स अच्छे नहीं है, गेम लैग होता है, FPS वगैरह वगैरह वगैरह। बट ट्रस्ट मी गाइस, गेम के ग्राफिक्स को डिजाइन करना उतना ही टफ है जितना गेम को कोड करना है। कंसिडर करो आप एक मोबाइल गेम बना रहे हो तो मोबाइल के स्क्रीन छोटे होते हैं, ग्राफिक्स को ऐसे डिजाइन करना होता है जिससे ग्राफिक्स सिंपल लगे एंड प्लेयर्स को इजीली समझ में आए, एंड ये सारी चीज करने के बाद ग्राफिक्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। अभी ये पार्ट आपको बहुत ज्यादा ट्रिकी लग सकता है बट ट्रस्ट मी गाइस ये इतना भी ट्रिकी नहीं है। किसी भी गेम को इजीली कोड करने के लिए आपको गेम्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा एंड छोटे छोटे हिस्सों के कोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपको उसको थोरोली टेस्ट भी करना पड़ेगा, देन आपको उसका बीटा वर्जन डिजाइन करना पड़ेगा एंड आपको उसको प्लेयर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे प्लेयर्स उस गेम को अच्छे से खेल सके एंड आपको उसके ऊपर से फीडबैक दे सके, क्योंकि गाइस फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंप्रूवमेंट के लिए। एंड मेरे चैनल में भी एक कमेंट सेक्शन है जहाँ पे आप कमेंट करके मुझे फीडबैक दे सकते हो, मेरी कौन सी वीडियो अच्छी लगती है, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन को यूज करो एंड मुझे फीडबैक दो जिससे कि मैं और भी कुछ नए नए चीजें सीख सकूं, एक्सपेरिमेंट कर सकूं अपने चैनल में। अभी आपके गेम को टेस्ट करने की बारी है बट द थिंग इज दैट गेम को टेस्ट कैसे करोगे? तो गाइस गेम को अलग अलग डिवाइसेस आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर सपोज आपने मोबाइल गेम यूज किया तो आपको हर टाइप के मोबाइल फोन में आपको इसको यूज करना पड़ेगा, हर टाइप के रैम पे आपको यूज करना पड़ेगा, देन आपको बहुत सारे पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा कि गेम लो बैटरी में कैसे FPS दे रहा है, गेम कब क्रैश हो रहा है, गेम में बग्स कितने हैं एंड क्या क्या बग्स है। ऑब्वियसली आप अकेले बग को फाइंड नहीं कर सकते, आपको उसके लिए बग फाइंडर भी हायर करना पड़ सकता है, या फिर आप गेम को बहुत सारे प्लेयर्स को दे सकते हो एज ए बीटा वर्जन जिससे कि लेयर्स के लिए फ्री में बग्स एंड ग्लिचेस ढूंढ के निकाल दे एंड उसके बदले प्लेयर्स को गेम्स के मर्चेंडाइज, T-shirt, कॉफी मग्स वगैरह गिफ्ट कर सकते हो। सारे टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अभी टाइम है आपको गेम को हर टाइप के प्लेटफॉर्म पे रिलीज करना होगा। गेम का प्रॉपर लोगो, SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से गेम के कुछ कीवर्ड्स को सर्च करते गेम आपका दिखे, एंड गेम को रेगुलरली आपको अपडेट भी करना हो जिससे प्लेयर्स को एक ही चीज देख देख के बोरियत बिल्कुल फील ना हो। आई होप आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड आई होप मेरा वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत लोग अपना अपना गेम लॉन्च कर दोगे। तो ऐसे वीडियोस और देखने के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले मेरे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।